हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। अभी अभी बस हम लोग निकले हैं बाहर, कहीं देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और ऋषभ अभी थोड़ा पॉलिश करवा रहे हैं अपने शू में, तो बाहर हैं ये देखिए। बस अभी हम लोग घर से निकले हैं, 5 मिनट्स हुआ है, बस पेट्रोल भरवाया है और अब देखते हैं कहाँ जाना है। हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, हम लोग का डिसाइड हुआ कि हम लोग जाएंगे मेट्रो की राइड लेने। मैं और ऋषभ तो बैठ चुके हैं दिल्ली में, बट ऋशान के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता, तो फिर हम लोग जा रहे हैं और हम लोग बैठेंगे IIT स्टेशन से। गाइस, हियर वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन IIT कानपुर, और यहीं से मेट्रो स्टार्ट है। इनका फर्स्ट स्टेशन है और टोटल इनके 9 स्टेशन्स हैं। तो यहाँ पर रश थोड़ा कम था, पर टिकटिंग लाइन में थोड़ा सा था। तो मैंने क्या किया, जो लेडीज़ लाइन थी उसमें लगकर मैंने टिकट लिया, और फिर हम लोग ने मतलब गीता नगर तक लिया था। बट इतना रश देखते हुए और बच्चे के साथ, फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यूनिवर्सिटी पे उतर जाएंगे। सो ये है टिकट। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर बच्चा है आपका 3 फीट से ऊपर नहीं है तो आपका बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। जाते टाइम हम लोग को नहीं पता था, पर जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग को ये चीज़ पता चली। फिर ऋशान का टिकट नहीं लगा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। जो अभी नहीं गए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा अगर उनका बच्चा रहेगा तो। फिर हम लोग का एक्सपीरियंस आप देखिएगा कैसा रहता है। रश तो काफ़ी था, मैं जैसे बताऊँ मतलब मेट्रो इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि मैं अंदर अच्छे से थोड़ा कैप्चर नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ रश। बट कोई नहीं, अभी थोड़ा नया है तो सबको क्रेज़ हो रहा है जाने का, तो अभी थोड़े टाइम बाद फिर हम लोग एक बार फिर जाएंगे तो फिर अच्छे से कैप्चर करूँगी सब कुछ। जैसे ही मेट्रो आई, लोगों ने ऐसे मतलब धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया कि सबसे पहले चढ़ जाएं और उनको सीट मिल जाए। फिर हम लोग ने वेट किया और हम लोग आराम से चढ़े, बट हाँ सीट नहीं मिली तो हम लोग ऐसे खड़े खड़े गए। सो गाइज, हम लोग 2 स्टेशन के बाद यूनिवर्सिटी स्टेशन पे उतर गए थे बिकॉज रश बहुत था और बच्चे के साथ इतना रश में ट्रैवल करना सेफ नहीं लग रहा था हम लोग को। बट ये था कि एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया ऋशान को, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेट्रो का। हम लोग तो काफ़ी बार बैठे हुए हैं तो अच्छा लगा। और ऋषभ यहाँ से ले लेंगे IIT का टिकट, क्योंकि हम लोग की कार वहीं पर पार्क है। तो यहाँ से हम लोग फिर, और ये स्टेशन देखिए बिल्कुल खाली है, और आप देखिए पूरा मेट्रो स्टेशन ऑरेंज एंड वाइट थीम पर बेस्ड है और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लगा। अभी हम लोग IIT से चढ़े थे और 2 स्टेशन बाद उतरे और अभी हम लोग फिर वापस IIT जा रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं मेट्रो का। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मजा आया। रश बहुत था, मतलब आज तो संडे है इस वजह से, अब देखते हैं वर्किंग डे में कैसा रहता है। हम लोग थोड़ा सा ये भी देख रहे थे ना कि अगर यहाँ पर बनवा के रहना होगा तो मेट्रो से ट्रैवल करना ऋषभ के लिए कन्वीनियंट रहेगा या नहीं, बट अभी तो काफ़ी रश मिला है क्योंकि नहीं भी है तो लोग ऐसे ही मतलब बैठने के लिए भी आ रहे हैं। हम लोग तो दिल्ली में बैठ चुके हैं बट ऋषान के लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस था, तो इस वजह से हम लोग आए थे और थोड़ा सा हम लोग को देखना भी था कैसा क्या है। तो फिलहाल तो रश बहुत है, बाकी मज़ा आया। हाँ, अपनी सिटी में है तो थोड़ा प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए कि हाँ चलो कानपुर भी हमारा मेट्रो सिटी हो गया। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस।
एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे लोग ना पैनिक करने लगते हैं, उनका स्टेशन छूट गया तो वो भागने लगते हैं एकदम से। यहाँ पर आप देखिएगा, एक बच्ची निकल रही थी तो डोर बंद हो रहा था, उसके सर पे काफ़ी तेज़ से लग गई थी। सो प्लीज़ ऐसे ना क्या करें, पैनिक ना हुआ करें। सो गाइस, मेट्रो की राइड लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे, ये ऋषभ के फ्रेंड की शॉप है, स्वीट शॉप। ये फ्रेंड है ऋषभ के, प्रशांत भैया, तो इनकी शॉप पर आ गए थे कुछ खाने पीने। तो यहाँ हम लोग ने खाया था डोसा और पाव भाजी, और हम लोग ने अपनी कार यहीं पर पार्क कर दी थी क्योंकि इनका इनकी ये शॉप है IIT स्टेशन के पास में, तो वॉकिंग डिस्टेंस था। तो फिर हम लोग ने यहाँ पर कुछ खाया पिया और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे घर। सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं घर, और अच्छा एक्सपीरियंस था, और हमारे कानपुर में मेट्रो आ गए तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू।